हरे कृष्णा जय सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे इस वर्ष की रामनवमी महोत्सव में। एक भक्त की उपलब्धि किसमें है, एक राम भक्त की उपलब्धि किसमें है। जैसे यदि आप किसी सैनिक को पूछो कि उसके सैन्य सेवा की उपलब्धि किसमें थी, तो क्या कहेगा एक सोल्जर, एक सैनिक, कि उसने कितने युद्ध लड़े उसमें उसकी उपलब्धि, उसका सक्सेस। आप यदि किसी खिलाड़ी को पूछो, किसी स्पोर्ट्स स्टार को पूछो कि उसका सक्सेस किस में रहा, तो खिलाड़ी क्या कहेगा, कितने ओलंपिक्स उसने खेले, कितने ओलंपिक्स में कितने मेडल्स जीते। कोई तैराक है उसको पूछो तो कितने उसने इंग्लिश चैनल्स क्रॉस किए उसमें उपलब्धि है। किसी मूवी स्टार को पूछो तो कहेगा कि कितनी फिल्में में उन्होंने एक्ट किया, कितने वो ब्लॉकबस्टर फिल्म्स हुई। तो यदि किसी राम भक्त से पूछो, किसी भक्त से पूछो कि भाई उपलब्धि क्या है, तो कितनी रामनवमी मनाई जीते जी। क्या है हमारी उपलब्धि, कि हमने हृदय से, गंभीरता से, प्रामाणिकता से हमने भगवान का जन्मोत्सव और भगवान का जन्म, उनसे ज्यादा जो भगवान के कर्म हैं, विशेष रूप से प्रभु श्री रामचंद्र जी के, वो सराहनीय है। तो मैं रामायण जब पढ़ रहा था तो मैं सोचा कि कौन सा प्रसंग लूं। इतने सारे प्रसंग हैं रामायण में और सारे प्रसंग अपने आप में वो शिक्षा के खान हैं हमारे लिए, उदाहरण के खान हैं, कि जिनमें से हम कितनी शिक्षाएं, कितने उदाहरण और कितनी प्रेरणाएं ले सकते हैं। तो हमने सोचा कि आज जो दो सत्रों में हम राम कथा का पारायण करेंगे, अभी सुबह और शाम के समय, तो प्रभु श्री राम के चरण कमल और प्रभु श्री राम के कर कमल। सुबह के सत्र में हम चर्चा करेंगे प्रभु श्री राम के चरण कमल की महिमा, और अवश्य ही चरण कमल की महिमा, जब प्रभु श्री राम उनका बखान होता है तो अहिल्या उद्धार और केवट की कथा, ये दोनों कथाओं में प्रभु श्री राम के चरण रज की महिमा बताई गई है, चरण कमल की महिमा बताई गई है। तो आप सोच रहे होंगे कर कमल, कर कमल की चर्चा हम संध्या के सत्र में करेंगे, सीता कल्याण, जहां प्रभु श्री राम ने अपने कर कमलों से धनुष को तोड़ा, सीता मैया को जीता और अपने कर कमलों से वरमाला पहनाई, और सीता मैया ने जो जयमाल पहनाई प्रभु श्री राम को, तो वो है प्रभु श्री राम के कर कमलों का कमाल। तो यदि आपको कर कमलों का कमाल सुनना है तो शाम के सत्र में आइए, और चरण कमलों का कमाल सुनना है तो दिल थाम के बैठिए। तो क्यों चरण कमल और कर कमल, हम साधकों के लिए और वो भी जूझते हुए साधकों के लिए आवश्यक है, क्योंकि कलयुग में दोनों की आवश्यकता है। जब हम आगे नहीं बढ़ते तो लात की आवश्यकता होती है, सुसंस्कृत तरीके से उसे चरण कमल कहे जाते हैं, परंतु
मुझ जैसों के लिए क्या कहा जाएगा, जो लातों के भूत है वो केवल कर कमलों से नहीं मानते, तो इसलिए चरण कमल वो उनका योगदान है हमें भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए। तो दोनों भगवान दोनों तरीके से, अब यहां पर हम देखें कि हम कलयुग के निवासी, और कलयुग के निवासी होने के कारण एक जो मुख्य दुर्गुण, दुर्गुणों से तो भरा हुआ है ये कलयुग, परंतु एक मुख्य दुर्गुण कि हम गलतियों पे गलतियां करते रहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, टू एर इज ह्यूमन। तो इसलिए ये श्लोक जिसमें प्रभु श्री राम और राम शरण, केवल प्रभु श्री राम नहीं, केवल प्रभु श्री राम की कृपा नहीं, बल्कि प्रभु श्री राम की शरण की महिमा की आवश्यकता क्या है और उसे कैसे प्राप्त किया जाए और प्राप्त करने के पश्चात उसका परिणाम क्या है, इसे एक श्लोक में बताया गया है। श्री राम शरणम समस्त जगताम, रामम विना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम, रामाय कार्यम नमः, रामात्रास्यति काल भीम भुजगो, रामस्य सर्वं वशे, रामे भक्ति रखंडिता भवतु मे, रामत्वमेवाश्रय, श्रीराम शरणं समस्त जगतां, रामं विना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम, रामाय कार्यं नमः, रामात्रास्यति काल भीम भुजगो, रामस्य सर्वं वशे, रामे भक्तिरखंडिता भवतु मे, रामत्वमेवाश्रय। एक बार फिर जोर से, श्री राम शरणं समस्त जगतां, रामं विना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम, रामाय कार्यं नमः, रामात्रास्यति काल भीम भुजगो, रामस्य सर्वं वशे, रामे भक्तिरखंडिता भवतु मे, रामत्वमेवाश्रय। श्री राम जो समस्त पूरे जगत के शरण हैं, उनके बिना हमारी कोई गति नहीं है। विशेष रूप से इस कलयुग में हमारे जो कलमश है उनका हनन करने जो आए हैं, उनके कार्य, उनका जन्म और उनका स्वरूप, उनके नाम रूप गुण लीला, इनके प्रति अखंडिता भक्ति जागृत हो, बस यही एकमात्र हमारी प्रार्थना होनी चाहिए। और इस भावना से आज के इस रामनवमी पर्व पर हम प्रभु सियावर रामचंद्र इन की शरण ग्रहण करते हैं। तो जैसे हमने कहा कि हम कलयुग के जीव,
कलयुग के जीव अर्थात जहां मानव मात्र जिसे भूल का पात्र बताया गया है, कलेर दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुण, मानव मात्र भूल के पात्र, श्री भगवान वो हैं दया के निधान। यदि हम मूल्यांकन करें हमारे जीवन का कि आज हम लोग यहां पर वो पूर्ण पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव मना रहे हैं, तो क्या योग्यता हमारे अंदर थी, क्या योग्यता हमारे अंदर निर्माण की गई जिसके वजह से आज हम लोग ये पावन पर्व में भाग ले रहे हैं। अब चाहे हम आंतरिक रूप से हमारी पूर्ण श्रद्धा से भाग ले रहे हों, या फिर हम केवल शारीरिक रूप से भाग ले रहे हों, चाहे कोई भी स्तर पर हम हों, प्रभु श्री राम वो अवतरित होते हैं। जैसे हमने हाल ही में कहा था कि भगवान का अवतरण हमारे उद्धरण के लिए है, द लॉर्ड्स डिसेंट इज फॉर आर एसेंट, हमें उबारने के लिए है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण, प्रभु श्री रामचंद्र, इनको पतित पावन अवतार क्यों बताया गया है, और खास कर ये जो युग है कलयुग, जहां सबसे ज्यादा आवश्यकता है पतित पावन अवतार की। जैसे भक्ति चारू महाराज वो सुंदर भजन गा रहे थे कि जब हम प्रभु श्री राम के सामने आए, उनके मंदिर के सामने आए, तो अपनी व्यथा, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं अहिल्या उद्धार, अहिल्या ने जो अपनी व्यथा प्रस्तुत करी, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। तो ये जो हमारा हृदय है ये उस मैली चादर के समान है, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा चेतो दर्पण मार्जनम। तो इस मन की तुलना उस मैली चादर से की गई है, तो कम से कम शर्मिंदगी का भाव होना चाहिए कि जब हम प्रभु के सामने आए तो ये शर्मिंदगी कि आप जो परम पवित्र हो, आपका नाम परम पवित्र है, आपका ये दिन, आपका ये जन्मोत्सव ये परम पवित्र है, आपके भक्त, आपकी रामायण, आपकी कथाएं, ये सब परम पवित्र है, और मैं यहां पर ऐसे परम पवित्र के संपर्क में अपनी मैली चादर लेकर आया, इन पैरों पर चलकर तेरे मंदिर कभी न आया, जहां जहां हो पूजा तेरी कभी न शीश झुकाया, हे रघुवर मैं हार के आया अब क्या हार चढ़ाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। एक दफा सीता मैया जब वनवास में थे, तो वनवास में माता सीता
वो प्रभु श्री राम के चरण दबा रही थी, और क्योंकि वनवासी का जीवन जी रहे हैं तो कोई पादतरण नहीं, नंगे पैर प्रभु श्री राम घूम रहे हैं। तो सीता मैया ने देखा कि उनके प्रभु उनके चरणों में एक कांटा फंसा हुआ था, तो तुरंत माता सीता उस कांटे को निकालने का प्रयास करने लगी तो रामचंद्र जी ने उनको रोका और कहा कि नहीं, ये मेरे नियमों के विरुद्ध हो जाएगा। यदि तुमने इस कांटे को निकाल दिया तो मैं जिस नियम को लेकर अवतरित हुआ हूं वो नियम का उल्लंघन होगा। और कौन सा नियम? जिसने मेरी चरणों की शरण ग्रहण कर ली, चाहे वो कांटा क्यों ना हो, चाहे वो मुझे चुभ भी क्यों ना रहा हो, चाहे वो मुझे दर्द भी क्यों ना दे रहा हो, परंतु मैं कभी उसे त्याग नहीं सकता, इसलिए उस कांटे को रहने दो। तो रामायण में जब ये प्रसंग आता है, राम और लक्ष्मण विश्वामित्र मुनि के साथ अयोध्या से निकले और उन्होंने सुबाहु, ताड़का, मारीच इन सब को ठीक किया और विश्वामित्र मुनि के यज्ञ को बचाया, तो उसके पश्चात अब राम और लक्ष्मण वो सोचने लगे कि जिस कार्य के लिए विश्वामित्र मुनि मुझे बुलाए थे वो कार्य तो हमने संपन्न किया, तो अब क्या आज्ञा लेकर हमें फिर अयोध्या लौटना है? परंतु जानते थे कि आगे मिथिला नगरी है, जनकपुर है, और जनकपुर में कुछ होने वाला है, परंतु गुरुजी से कैसे कहें? दोनों भाई तो जानते हैं क्योंकि दोनों भाई का विवाह होने वाला है, ये आप ध्यान में रखिएगा, शाम को होगा वो। तो दोनों भाई मन ही मन सोच रहे हैं कि गुरुजी से कैसे कहें, संकोच कर रहे हैं। तो अब उनके समक्ष गए आज्ञा लेने के लिए कि क्या अब हम फिर अयोध्या लौट जाएं? तो संकुचित भाव में हैं, तो विश्वामित्र मुनि तो समझ गए, और विश्वामित्र मुनि वो विश्व के मित्र बने हैं राम और सीता का मिलन करना कराने की वजह से। तो विश्वामित्र मुनि बोल दिए कि नहीं 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 नहीं, अभी तो आप लोगों ने आपके कर्तव्यों को पूरा किया और जो आपने भेंट मुझे दी है ये सेवा देकर, तो अब मेरी बारी है कि मैं अब इसके बदले में आपको कुछ दूं। और सबसे पहला जो मेरी तरफ से वेतन होगा या मेरी तरफ से भेंट होगी वो ये है कि न्योता जो मिला हुआ है मिथिला नगरी से, जनकपुरी से, कि वहां पर धनुष यज्ञ महाराज जनक वो आयोजित किए हैं और उसका न्योता हमें दिया गया है। तो अब एक तरीके से वो कह रहे हैं कि वेकेशन टाइम है, तो वेकेशन के लिए अब यहां से हम निकलेंगे मिथिला नगरी। तो जब वो निकलते हैं, रास्ते में प्रभु श्री राम वो एक ऐसी पर्णकुटी देखते हैं जो कि वीराने में, एक ऐसी जगह जहां पर प्रभु श्री राम वो अपने दिव्य दृष्टि से देखने लगते हैं कि बहुत खुशहाल कभी ये कुटिया रही होगी, परंतु अब स्थिति जैसे कि वो बहुत खुशहाल कुटिया या आश्रम जो कि खंडर बन चुका था।
और वहां पर सब प्रकार के तमोगुणी चिन्ह दिख रहे थे, अंधकार और सब कुछ मुरझाया हुआ, और ऐसे भयावह तमोगुणी प्राणी इर्द गिर्द वहां पर मंडरा रहे थे। तो प्रभु श्री राम ने जब उस स्थान को देखा और विशेष रूप से उस आश्रम में, उस मुरझाए हुए खंडर आश्रम में उन्होंने एक बड़ी सी शिला देखी, तो तुरंत वो गुरुजी विश्वामित्र उनसे पूछे इस स्थान के विषय में। अब यहां से प्रारंभ होती है ये कथा अहिल्या उद्धार की। तो रामायण के जो टीकाकार है वो बताते हैं कि अब हमने जो एक साधारणता कथा सुनी है कि प्रभु श्री राम के चरण रज से अहिल्या जो कि पाषाण बन चुकी थी, पत्थर में परिणित हो चुकी थी, जो अहिल्या ने गलती की थी, उनके पति गौतम मुनि उन्होंने श्राप दिया, इंद्र के साथ जो उनका अवैध संबंध हुआ, और इंद्र क्योंकि अहिल्या जो थी वो बहुत रूपवती थी, और इंद्र ने जब अहिल्या के रूप को देखा तो अहिल्या के साथ संग करना चाहा देवराज इंद्र ने, परंतु जब उन्होंने जाना कि ये तो पहले से विवाहित हैं गौतम मुनि से, तो अपना रूप बदलकर गौतम मुनि का रूप लेकर देवराज इंद्र आए, और अहिल्या वो केवल रूपवती नहीं थी बल्कि वो ऐसी सती थी, ऐसी संस्कारी थी कि वो तुरंत पहचान गई कि ये मेरे पति नहीं है। परंतु जब किसी के पास रूप का ऐश्वर्य होता है तो रूप के ऐश्वर्य के कारण वो व्यक्ति अंधा हो जाता है, या पश्यन अपि न पश्यति, उस प्रकार का अंधापन उसके अंदर आता है, देखते हुए भी देखना नहीं चाहता। तो अहिल्या को लगा कि यदि मेरा रूप स्वर्गीय रूप की तुलना में भी इतना बढ़ा हुआ है कि देवराज इंद्र मुझसे संग करना चाहते हैं, तो मेरी ख्याति मेरे रूप के कारण कहां कहां फैलेगी। तो ये उनकी गलती थी कि अपने रूप के ऐश्वर्य के कारण वो भूल गई उस समय कि वो क्या करने जाने वाली है। और गौतम मुनि वो भी ऐसे पहुंचे हुए सिद्ध पुरुष तो पहचान गए कि क्या हुआ है, तो उन्होंने देवराज इंद्र को जो श्राप दिया कि तुम जो कामांध के वजह से इतने रजोगुणी और कामुक हो गए हो, तो तुम्हारे पूरे शरीर में स्त्री की योनियां बन जाएं, जिसको संस्कृत में कहते हैं भग। इसलिए गोवर्धन लीला में जब देवराज इंद्र भगवान कृष्ण के सामने आते हैं तो भगवान श्री कृष्ण वो विनोद में या उनको टॉन्ट मारते हुए उनको भगवान बुलाते हैं। भग का अर्थ यहां पर षड ऐश्वर्य नहीं कि जिनके शरीर में गौतम मुनि ने श्राप के कारण सारे भग कर दिए, वो हैं भगवान। और फिर अहिल्या को पाषाण बना दिया वहां पर। तो अब रामायण में वर्णन है कि जब प्रभु श्री राम ने अहिल्या का उद्धार करना सोचा तो केवल चरण रज की कृपा नहीं हुई, यहां पर ये जो लिस्ट है, नेत्र की कृपा, वाणी की कृपा, कर कमल की कृपा, कर्ण की कृपा और चरण रज की कृपा। कैसे? तो सबसे पहले जब प्रभु श्री राम ने अपने नेत्रों से उस शिला को देखा, उस पत्थर को देखा जो कि अहिल्या थी, पत्थर में परिणित,
तो प्रभु श्री राम के नेत्रों की कृपा अहिल्या के ऊपर हो गई। देखने मात्र से अब तक प्रभु श्री राम ने पूछा भी नहीं, केवल देखा है, तो नेत्रों की कृपा हो गई। यहां पर ग्रंथकार कहते हैं कि प्रभु श्री राम की ये जो कृपाएं हैं अलग अलग प्रकार की, इनके अंदर होड़ लगी, कंपटीशन, स्पर्धा, कि कौन सी कृपा किसके बाद आएगी, कौन सी कृपा किससे ज्यादा अहिल्या के ऊपर बरसेगी। तो सबसे पहले नेत्रों की कृपा, नेत्रों ने अहिल्या को शिला के रूप में देखा। उसके पश्चात प्रभु श्री राम ने विश्वामित्र मुनि से पूछा कि यह शिला कोई साधारण शिला नहीं लगती, यह आश्रम कोई साधारण आश्रम नहीं लगता, अवश्य ही इसके पीछे कोई इतिहास है, गुरुदेव बताइए। तो जब प्रभु श्री राम अपने भक्त अहिल्या के विषय में पूछ रहे हैं तो ये उनके ऊपर उनकी वाणी की कृपा हुई। और करकमलों की कृपा कैसे, कि जब अपने नेत्रों से देख रहे हैं उस शिला को और अपने वाणी से गुरुदेव को पूछ रहे हैं उसका इतिहास, अपने उंगली से इशारा कर रहे हैं, ये शिला, ये पाषाण, ये पत्थर क्या है, ये इसके विषय में बताइए। देखिए जब कोई महान व्यक्ति हमारी ओर देखता भी है, जब कोई महान व्यक्ति, जैसे प्रभुपाद के शिष्य उनके मेमोरीज में लिखते हैं, प्रभुपाद ने मुझ पर ग्लांस किया। जैसे एक प्रभुपाद के शिष्य हुए, वो बता रहे थे कि वो प्रभुपाद से मिलने से पहले उन्हें एक सिद्धि प्राप्त हुई थी, एक साइकिक सिद्धि प्राप्त हुई थी। वो एक साइकिक व्यक्ति थे, तो उनको एक साइकिक सिद्धि प्राप्त हुई थी कि वो रास्ते चलते किसी भी व्यक्ति को डिक्टेशंस देते थे। वो अपने बिल्डिंग में, अपार्टमेंट में, 10वें मंजिले पर रहते थे और रास्ते पर कोई भी चलता उसको डिक्टेशन देते थे, लुक बैक, पीछे मुड़ के देखो, पीछे मुड़ के देखो। और वो व्यक्ति कुछ समय बाद इनकी शक्ति से वो व्यक्ति पीछे मुड़ के, बिना कारण, उसको भी नहीं पता वो पीछे क्यों मुड़ रहा है, उसे ऐसे लग रहा कोई बुला रहा है, उसको कोई बुला रहा है, पीछे मुड़ के देख लेता। तो वो सब पे टेस्ट करता रहता है ऐसे। तो एक बार अपने हाई राइज बिल्डिंग, अपने अपार्टमेंट से उसने देखा किसके ऊपर करूं, किसके ऊपर करूं, देखा प्रभुपाद अपने शिष्यों के साथ रास्ते पे चल रहे हैं, मॉर्निंग वॉक। कहा ये व्यक्ति को अलग ही अजीब सा लग रहा है, तो प्रभुपाद के ऊपर टेस्ट करना चाहा, तो अपने डिक्टेशंस शुरू किए प्रभुपाद के ऊपर, कुछ काम नहीं हुआ, दाल नहीं गली। एक बार, दो बार अपना 10% यूज किया, 20% यूज किया, 50% यूज किया, प्रभुपाद पीछे नहीं मुड़े, चलते जा रहे, चलते जा रहे, लुक बैक, लुक बैक, लुक बैक, जो भी जिस तरीके से वो क्या करते, लुक बैक, नहीं हुआ। फाइनली अपनी सारी शक्ति उसमें उड़ेल दी, और सारी शक्ति उड़ेलने के पश्चात जब वो हताश होके गिर गए और बोले कि आई सरेंडर, हु आर यू, लुक बैक, और वो अपने घुटनों पर अपने अपार्टमेंट में बालकनी पर गिर गए। जैसे ही उन्होंने आई सरेंडर ये दो शब्द इस्तेमाल किए, प्रभुपाद पीछे मुड़े। ये नीचे उतरकर जाकर पूछे कि भाई कौन है आप, और फिर वो प्रभुपाद के शिष्य बने। तो कोई महान व्यक्ति जब दृष्टिपात करता है तो सोचिए पूर्ण पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम दृष्टिपात किए। केवल दृष्टिपात नहीं, पूछता है, एक तो है कि देख लिया, अरे मेरी तरफ देखा, मेरे दिशा में देखा,
फिर पूछा, मेरे विषय में पूछा, और वो भी इशारा करते हुए। और कर्णों की कृपा कि जब प्रभु श्री राम वो हमारी व्यथा सुनते हैं, आजकल कलयुग में जो ये कम्युनिकेशंस इत्यादि के वर्कशॉप्स होते हैं उसके अंदर क्या सिखाया जाता है, हाउ टू बिकम अ गुड लिसनर, क्योंकि आजकल कोई सुनने के लिए नहीं मिलता, सुनाने वाले बहुत हैं, सुनने के लिए मिलता नहीं कोई। तो बहुत बार जो काउंसलर्स होते हैं, चाहे वो मैरिज काउंसलर हो, वो मीडिएटर्स हो, उनको अधिकांश तनख्वाह जो मिलती है या जो भी उनका कमीशन मिलता है, ज्यादातर किसके लिए, सुनने के लिए। सुनने के लिए बहुत कम माध्यम है। तो इसलिए यहां पर प्रभु श्री राम वो सुन रहे हैं अब, और फिर फाइनली चरण रज की कृपा तो हम सुनेंगे ही। तो अब प्रश्न ये है कि जब विश्वामित्र मुनि वो अहिल्या के विषय में सुना रहे हैं, तो विश्वामित्र मुनि वो प्रभु श्री राम से कहते हैं, सुनो अहिल्या की कथा। तो लक्ष्मण जी ये प्रश्न पूछे कि अरे भाई, अहिल्या जो कि एक पाषाण बन गई, शिला में परिणित हो गई, तो इसकी व्यथा होनी चाहिए, तो इसकी कथा कैसे बोल रहे हैं गुरुदेव, ये शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? तो व्यथा कथा में कब परिणित होती है? तो जब प्रभु श्री राम हमारी व्यथा को सुने, या जिन जिन बद्ध जीवों की व्यथा प्रभु श्री राम सुन लेते हैं, तो उनकी व्यथा नहीं कथा हो जाती है। ये विश्वामित्र मुनि जानते थे कि अहिल्या की ये व्यथा थी, और हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि पूरे युग पर्यंत, युग के अंत के पश्चात प्रभु श्री राम आए, तब तक एक शिला के रूप में एक जगह पर स्थित रहना, इससे बड़ी व्यथा किसी जीव की क्या हो सकती है, और वो भी ऐसा जीव जिसके अंदर ऐसा रूप का ऐश्वर्य था। केवल कोई साधारण स्त्री नहीं थी वो ऋषि पत्नी थी, वो एक ब्राह्मणी थी, और ऐसी रूपवती, ऐसी गुणवान, उसको यहां पर खंडर में एक शिला बना दिया गया। परंतु रामचंद्र जी ने जब उसकी पूरी व्यथा सुनी, तो रामचंद्र जी सुन रहे हैं इसलिए वो क्या हो गई, वो कथा हो गई। तो अब जब रामचंद्र जी इतने जिज्ञासु हो रहे हैं, तो विश्वामित्र मुनि वो समझ गए। तो विश्वामित्र मुनि ने प्रभु श्री राम से पूछा, क्या तुम उद्धार करना चाहते हो, इनका, अहिल्या का उद्धार आज करना चाहते हो? रामचंद्र जी कहे कि नहीं नहीं, आप हमारे वरिष्ठ गुरुजन यहां पर हैं, मैं आपके सामने किसी का उद्धार कैसे कर सकता हूं, मैं तो केवल अपना ऋण चुकाने आया हूं, मैं तो केवल अपनी उधारी चुकता करने आया हूं, कर्ज चुकाने आया हूं। तो अब यहां पर लक्ष्मण और विश्वामित्र मुनि वो अचरज किए कि भाई, ये कौन सी उधारी है, ये कौन सा ऋण है, ये कौन सा कर्ज है आपका कि जो यहां पर तुम चुकता करने आए हो? तो वो कहते हैं कि कर्ज या ऋण उनका होता है जिनके साथ कोई लेन देन होता है। अब जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, वो कभी भगवान से कोई लेन देन का सौदा नहीं रखते, कोई लेन देन का हिसाब नहीं रखते। क्यों? क्योंकि वो अपना जीवन इस प्रकार से जीते हैं, न तो हमें किसी से कुछ लेना, न हमें किसी से कुछ, किसी को कुछ देना, न इस संसार से हमें कुछ लेना है, न इस संसार को हमें कुछ देना है।
हमें तो बस अपने में मग्न रहना है, कछु देना न कछु लेना, अपने में मग्न रहना, कबीरदास जी बोले। तो यहां पर जब रामचंद्र जी बोल रहे हैं कि मेरा कुछ लेना देना बाकी है, तो ये कह रहे हैं कि लेना देना जो होता है वो भगवान और भक्तों के बीच में होता है, ज्ञानियों और भगवान के बीच में नहीं होता, वो कोई लेना देना नहीं रखना चाहते। तो भगवान अपने भक्तों से ही लेते हैं और अपने भक्तों को ही देते हैं, और भक्त भी भगवान से ही लेते हैं और भगवान को ही देते हैं। तो इसलिए जब भगवान ने यह कहा कि मेरा ऋण बाकी है और उस ऋण को चुकता करने के लिए, उस उधारी को चुकाने के लिए मैं ये सारे प्रश्न पूछ रहा हूं, तो अब जैसे आप लोग जिज्ञासु हो रहे हैं कि कौन सा ऋण था ये, उसी प्रकार से विश्वामित्र मुनि और लक्ष्मण वो भी जिज्ञासु हुए कि ये, जब एक तरफ तो रामचंद्र जी पूछ रहे हैं कि ये कौन सा आश्रम, ये कौन सी शिला, सब कुछ ऐसे पूछ रहे हैं जैसे कुछ पता नहीं, और अब जब पूरी कथा सुनाई अहिल्या की, पूरी अहिल्या की कथा सुनने के पश्चात जब मैंने पूछा कि क्या भाई इसका उद्धार करना चाहते हो, तो बोल रहे हैं कि नहीं, उद्धार नहीं उधार चुकाना चाहता हूं। तो जैसे द्रौपदी की जो कथा है, तो द्रौपदी की कथा हम सब सुने हैं, द्रौपदी का चीरहरण जो हुआ, तो द्रौपदी के चीरहरण के पश्चात, हालांकि चीरहरण हुआ नहीं, प्रयास किया गया, भगवान होने नहीं दिए, परंतु कहा जाता है द्रौपदी चीरहरण। तो उद्धव जी वो श्याम सुंदर कृष्ण से ये प्रश्न पूछे कि आपके पास इतना चीर आया कहां से, मैं आपको इतना निकट से जानता हूं, आपके पास यकायक द्रौपदी के लिए इतना चीर बढ़ा कैसे, कहां से आया आपके पास इतना चीर? तो उद्धव जी को भगवान कहे कि नहीं, वो मेरा नहीं था, वो चीर मेरा नहीं था, मैंने किसी से चुराया और द्रौपदी के लिए बढ़ाया। भाई मेरा क्या है, मैं एक भक्त से लेता हूं और दूसरे भक्त को देता हूं, यही मेरा काम है। तो उद्धव जी पूछे कि भाई क्या माजरा है, ये किससे चुराया और किसका बढ़ाया? तो भगवान कहे कि वृंदावन में मैंने गोपियों का चीर चुराया और वही चीर द्रौपदी का बढ़ाया, तो वो मेरा नहीं था। अब इससे संबंधित, क्योंकि द्रौपदी की जो लाज भगवान ने बचाई, तो उसके पीछे की भी एक ऐतिहासिक कहानी है कि एक दफा जब भगवान अर्जुन के साथ बैठे हुए सेब काट रहे थे, तो चाकू हाथ में लिया और भगवान की उंगली थोड़ी सी उस चाकू के वजह से कट गई। तो जैसे ही वो उनकी चाकू से उंगली कटी और रक्त बहने लगा, तुरंत द्रौपदी वहां पर जो रेशमी साड़ी पहनी हुई थी, अपनी बेशकीमती रेशमी साड़ी को फाड़ दिया द्रौपदी ने, और फाड़ कर तुरंत चीर चढ़ाया प्रभु की उंगली के ऊपर, और भगवान द्रौपदी की ओर देख रहे हैं। ये बहुत स्पॉन्टेनियस था, स्वाभाविक था द्रौपदी के लिए ये करना। और जैसे ही भगवान द्रौपदी की ओर देख रहे हैं कि द्रौपदी ने अपनी रेशमी साड़ी, ऐसी कीमती साड़ी को फाड़ डाला छोटी सी उंगली के लिए, अरे कोई दूसरा भी कपड़ा इस्तेमाल कर सकते थी, अपने स्वयं का चीर क्यों फाड़ा? तो भगवान जब द्रौपदी से पूछते हैं, तो द्रौपदी कहती है, प्यारे घनश्याम, यदि काम तुम्हारे आते
अपने नसों को काट देते, ये तो केवल रेशम के धागे, यदि तुम्हारे काम हम आते। क्या कहा उन्होंने कि अरे यदि आपके कुछ काम आए तो हम हमारी नसों को काट देते, ये तो केवल रेशम के धागे, और ये रेशम के धागे मेरे चीर से निकले आपकी पीर देखते हुए, आपकी पीड़ा देखते हुए, अपने आप निकले हैं ये धागे अपने आप निकले। ये धागे बड़े भागे जो आगे निकले उंगली पे लागे, तो ये धागे बड़ भागे, ये धागे बड़ भागे जो निकले आगे और आपकी उंगली पे लागे, और वो धागे बड़े अभागे जो मेरे चीर से न निकले और आपकी उंगली पे जो न लागे। तो यहां पर द्रौपदी ने जब श्याम सुंदर कृष्ण को एक इतनी सी सेवा और वो भी स्वाभाविक रूप से दी, तब श्याम सुंदर कृष्ण बोले कि मैं तुम्हारे इस उपकार को कभी भूलूंगा नहीं द्रौपदी, तुम्हारे इस उपकार को मैं कभी भूलूंगा नहीं, और याद रखना कि जब समय आएगा तो मैं ही तुम्हारे काम आऊंगा। तो यहां भगवान ने किया क्या, जब उद्धव जी ने पूछा तो सब कुछ तो भगवान ही करते हैं, परंतु भगवान ने श्रेय अपने ऊपर नहीं लिया। भगवान ने कहा कि मैंने किसी का चीर चुराया, गोपियों का चीर चुराया, और यहां द्रौपदी का चीर बढ़ाया। एक महाभारत के टीकाकार वो ये प्रश्न पूछते हैं कि यदि श्याम सुंदर कृष्ण वो चीर बढ़ा रहे थे तो क्या उस चीर का कभी अंत हुआ, क्योंकि दुशासन तो एक ओर से खींचता चला जा रहा था, तो क्या उस चीर का कभी अंत हुआ। ये प्रश्न जो ग्रंथ के टीकाकार होते हैं वो पूछते हैं। तो इस प्रश्न का जवाब इस प्रकार से दिया गया है कि भगवान जब चीर बढ़ा रहे थे तो अंत में भगवान ने अपना पीतांबर भी जोड़ा, तो जैसे ही भगवान का पीतांबर जुड़ा उस साड़ी के साथ, तो तुरंत सभा के जो अग्रज थे जो पहचान गए कि ये पीतांबर तो घनश्याम कृष्ण का है, तुरंत दुशासन को कह दिए कि रुक जाओ, पीतांबर आ रहा है, इसके पीछे सुदर्शन आएगा, और यदि सुदर्शन आ गया इस सभा में तो कोई बचेगा नहीं। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर वो इस प्रकार से देते हैं कि चीर का अंत पीतांबर से हुआ। तो यहां पर प्रश्न अभी भी हमारे सामने है कि अहिल्या का उद्धार और भगवान का ऋण, इसका संबंध क्या है। देखिए भगवान के अलग अलग जो अवतार हैं, उनकी जो लीलाएं हैं, उन सारे अवतारों की लीला जो है वो मिली जुली है एक दूसरे से। तो भगवान श्री कृष्ण की लीला भगवान श्री राम की लीला से संबंधित है, भगवान नरसिंह की लीला भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम की लीला से संबंधित है, अन्य जितने भी अवतार आप लो उन सारे अवतारों की लीलाएं वो एक दूसरे से मिलती जुलती हैं और मिली जुली हैं और सहायक हैं।
तो अब वो बताते हैं कि किसका ऋण, किसका उधार उन्हें चुकाना है। तो रामचंद्र जी कहे कि सत्युग में जब छोटा सा नन्हा सा मेरा भक्त प्रह्लाद, मेरा भक्त प्रह्लाद जो कि मेरी अनन्या भक्ति कर रहा था, और उसका खूंखार पिता हिरण्यकश्यप, उसने जब कृपाण बाहर निकाल लिया, हिरण्यकश्यपु ने प्रह्लाद को ललकारते हुए तलवार अपने हाथ में नहीं निकाली, उसने क्या हाथ में निकाली? कृपाण। कृपाण और तलवार में अंतर क्या है? तलवार की धार केवल एक तरफा होती है, और कृपाण जो होती है उसकी धार दोनों तरफा होती है, इसलिए उसको ये नाम मिला है जिसमें कृपा नहीं, कृपा न। तो यदि कोई कृपाण निकाल ले मतलब कोई सामने वाला बचने नहीं वाला, बख्शने नहीं वाला ये व्यक्ति, इसलिए उसको कृपाण बोलते हैं। तो हिरण्यकशिपु इतना क्रोधित था कि हिरण्यकशिपु ने अपनी कृपाण निकाल ली प्रहलाद के सामने, बोल कहां है तेरा भगवान? तू कहता है कि वो सर्वव्यापी है, वो सर्वस्व है, वो सबका नियंता है, बता इस पत्थर के खंबे में है क्या? और प्रहलाद जो है वो निसंकोच निडर बोल दिए कि अवश्य है, क्यों नहीं। अब ये प्रभु श्री राम कथा सुना रहे हैं विश्वामित्र मुनि को, याद रखिए नरसिंह चतुर्दशी अगले महीने है, तो वो ये कथा सुना रहे हैं विश्वामित्र मुनि को कि भक्त प्रह्लाद, अब वो तो जानते थे ये कथा, फिर भी सुना रहे हैं रामचंद्र जी कि मेरा भक्त, मेरे भक्त ने जब बोल दिया सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, मेरे भृत्य के जो वाक्य उसको सिद्ध करने के लिए मैं उस हिरण्यकश्यपु के महल के पाषाणी स्तंभ से मैं प्रकट हो गया। अरे एक 5 वर्षीय मेरा भक्त मुझ जैसे भगवान को पत्थर के खंभे से प्रकट कर सकता है, तो क्या मैं एक पाषाणी शिला से मेरे भक्त को प्रकट नहीं कर सकता? तो ये मेरा ऋण था, इज्जत का सवाल है। भक्त ने एक पाषाण खंभे से भगवान को प्रकट किया, तो भगवान ने भी उस ऋण को चुकता करने के लिए, अहिल्या का उद्धार करने हेतु अपने चरण बढ़ाए। अब जब हम ये सुनते हैं कि प्रभु श्री राम, उन्हें अपने चरण भी रखने नहीं पड़े, प्रभु श्री राम की जो चरण रज अहिल्या देवी वो समझ गई कि उनका समय आ गया, उनके उद्धार का समय आ गया। जैसे कि हमने कहा कि पूरा एक युग बीत चुका था, उनको जब शाप मिला था एक युग बीत चुका था, तो सोचिए पेशेंस, धैर्य, ये जो देवी इसके अंदर कितना धैर्य था। तो कह सकते हैं कि अहिल्या ने जब प्रभु श्री राम को चलता हुआ देखा, अपनी ओर आते हुए देखा, तो अहिल्या ने कह दिया अपना टाइम आएगा, आ गया, अपने उद्धार का टाइम आ गया। तो रामचंद्र जी वो चलते हुए, तो जैसे हमने उनकी सारी कृपाएं एक साथ आई वो सब कुछ हमने सुना, अब यहां पर अपने चरण आगे बढ़ा रहे हैं।
तो वो आशीर्वाद अहिल्या को देते हैं कि अहिल्या तुम्हारे इस पाषाण रूप के वजह से तुमने कभी सत्संग तुम कर नहीं पाई, तो तुम्हारी मजबूरी ऐसी थी कि तुम कभी सत्संग कर नहीं पाई, हालांकि तुम इस वन में रहती यहां पर इतने ऋषि मुनि वो घूमते फिरते, परंतु ये जो तुम्हारा आश्रम जो कि एक खंडर बन चुका था, यहां पर कोई साधु नहीं आता, कोई साधु वहां पर नहीं आता, क्योंकि वो पूरा जो माहौल था उस खंडर रूपी आश्रम का, वो माहौल वो सत्वगुण में नहीं था। तो रामचंद्र जी अहिल्या से कहते हैं क्योंकि इतने चिर काल तक तुम सत्संग में जा नहीं सकी, तो मैं सत्संग तुम्हारे पास लेकर आया हूं। विश्वामित्र मुनि और लक्ष्मण उनको वो कह रहे हैं कि ये सत्संग को मैं अपने साथ लेकर आया हूं, और पाषाण होने की वजह से यदि तुम मेरी कथा सुन नहीं पा रही तो मैं तुम्हारी कथा सुनूंगा, और मैंने तुम्हारी कथा सुनी। इसलिए रामचंद्र जी अहिल्या को ये नहीं बोल रहे कि मैंने तुम्हारी व्यथा सुनी, कि राम के समक्ष जो भी आ जाए और अपना हृदय खोल दे, तो रामचंद्र जी हमें अपनी व्यथा समझनी चाहिए, हमें उसे व्यथा कहनी चाहिए, परंतु रामचंद्र जी जो इतने कृपालु हैं वो उसे कथा मानते हैं। तो अब अहिल्या वो इस दिन की प्रतीक्षा में जो थी, तो उन्होंने प्रभु श्री राम से उनकी चरण रज मांगी। तो प्रश्न ये है कि रामचंद्र जी अपने चरण लगाने वाले थे, तो अहिल्या ने कहा नहीं, मुझे आपके चरण हाँ अवश्य चाहिए, परंतु यदि आपके चरणों में रज नहीं होगी तो मेरा उद्धार नहीं हो पाएगा। अब जंगल में चल रहे हैं, उस समय तो पात्रण थे उनके, वो वनवासी का जीवन नहीं जी रहे थे, जिस उनको उस प्रकार का वनवास नहीं मिला हुआ था जो कैकेयी ने दिया था। तो अहिल्या वो रज मांग रही थी, तो रामचंद्र जी पूछे कि तुम चरण रज के पीछे इतना उतावली क्यों हो, तो वो कहती हैं कि अरे इस रज के वजह से ही तो पतन हुआ था। कौन सा रज? रजोगुण। रज का एक और अर्थ होता है रजोगुण। तो जब उस रज से मैं जुड़ी तो काम पैदा हुआ, परंतु इस रज से मैं जुड़ी तो राम मुझे मिले। तो अहिल्या वो कह रही हैं कि जैसे रज से मेरा पतन हुआ तो रज से मेरा उद्धार होना वही मेरे लिए लिखा गया है। इसलिए रामचंद्र जी के इस प्रश्न का जवाब अहिल्या ने दिया कि आपकी चरण रज चाहिए। अब एक और चीज टीकाकार इसके विषय में कहते हैं कि कई बार आप देखो कि जब तूफानी हवा चलती है तो रज के कण वो जब उड़ते हैं तो रज के कण आंखों में जाते हैं तो कोई व्यक्ति कुछ देख नहीं पाता। तो उसी प्रकार से माता अहिल्या वो बोल रही हैं कि रजोगुण के वजह से व्यक्ति कामांध हो जाता है, जैसे कि रजगण के वजह से कोई देख नहीं पाता, वो उसके पास दृष्टि भी है फिर भी वो सामने कुछ देख नहीं पाता क्योंकि रज के कण आंखों में गए हैं। उसी प्रकार से जब रजोगुण में कोई रचा पचा रहता है तो कामांध हो जाता है, परंतु जब गुरुजन के चरण की रज उन्हीं आंखों में जाती है तो ओम अज्ञान तिमिरांधस्य, तो वो जो अंधकार है उसके जीवन का वो मिट जाता है। इसलिए मुझे
आपके चरण रज चाहिए। अब यहां पर हम चरण रज की जो महिमा अहिल्या देवी वो प्रस्तुत कर रही है, तो उसके संदर्भ में हम रामायण की ये कथा लेंगे केवट की, कि केवट की ये कथा है जहां पर केवट उन्होंने बड़ी चतुराई से रघुराई से उतराई ली, बड़ी चतुराई से रघुराई से उतराई ली, किसकी? उनके नाव की। तो ये एक ऐसी कथा है जहां पर केवट ने प्रभु श्री राम को उनकी मुस्कान लौटाई, और ये कैसे लौटाई ये एक एक कर उस प्रसंग की जो घटनाक्रम है उसको समझेंगे तब समझ में आएगा। तो जब राम और सीता लक्ष्मण, राम सीता लक्ष्मण वो पहुंचे गंगा के तट पर और वहां से उनको अब गंगा पार करना है, तो जब उनको गंगा पार करना है तो वहां पर नाव और नाविक केवट वहां पर था, एक ही नाव एक ही केवट। तो यहां पर रामचंद्र जी जब पहुंचते हैं तो बुलाते हैं उस केवट को कि तुम्हारी नाव लेकर आओ और हमें पार कराओ। और ये अहिल्या उद्धार की जो कथा है, ये जो प्रसंग है, ये लीला है, ये सब जगह फैल चुकी थी, प्रसिद्ध हो गए थे रामचंद्र जी कि जिनके चरण धूलि में, चरण रज में ऐसी जड़ी बूटी है कि वहां से उसको केवट ने कह दिया प्रभु श्री राम को कि वो मानव उत्पादन केंद्र है, आपके जो चरण हैं वो मानव उत्पादन केंद्र हैं, मनुष्य उत्पन्न करते हैं, हाल ही में हमने सुना है, और मैं जानता हूं कि आपका मर्म क्या है, इसलिए मैं नाव नहीं लाऊंगा। अब देखिए प्रभु श्री राम का मर्म जानता है, बोल रहा है केवट, और कहता है कि मर्म जानने के वजह से मैं नाव नहीं लाऊंगा। तो लक्ष्मण वो थोड़ा तमतमाए, मैं बचपन से रह रहा हूं प्रभु श्री राम के साथ और मैं अब तक इनका मर्म नहीं जाना, और ये कल का केवट ये मर्म जान गया। यहां तक कि वाल्मीकि जी वो रामायण में कहते हैं कि रामचंद्र जी का मर्म तो बड़े बड़े दिग्गज जो देवलोक के ब्रह्मा जी शिव जी वो नहीं जान पाए हैं, केवट जान गया। क्या मर्म है? तो केवट ने कहा कि मर्म यही है कि इस जगत में रहने वाला वो जब आपके चरण पखार लेता है, आपके चरण को स्पर्श कर लेता है, तो वो जगत का नहीं जगदीश का हो जाता है। और मैं तो यहां पर एक गृहस्थी हूं, एक गृहस्थ व्यक्ति हूं, मेरे बीवी बच्चे हैं, और ये नाव के वजह से, ये जो मैं करता हूं मेरा व्यापार, उसके वजह से मुझे कुछ आमदनी प्राप्त होती है, और यहां पर आप आओगे और जैसे आपने क्या किया, हाल ही में सब जानते हैं कि आपने एक पाषाण को स्त्री बना दिया, अब पत्थर जो है व्याकरण के दृष्टिकोण से पुलिंग होता है, क्या कहते हैं हम पत्थर को? पुलिंग बोलते हैं, मैस्कुलिन जेंडर। तो ये कहता है अरे मेरी तो नाव है जो कि स्त्रीलिंग है, तो यदि पत्थर जो कि पुलिंग था उसमें से एक स्त्री पैदा कर दी आपने, तो मेरी तो नाव है वो तो अवश्य स्त्री बनेगी, पहले से एक है। एक मेरी बीवी तो है ही, और ये यदि एक और स्त्री में परिणित हो जाए, तो मानो रामचंद्र जी
पूछ रहे हैं, और दोनों पूछते हैं, लक्ष्मण और राम दोनों पूछते हैं केवट को कि देखो तुम कह रहे हो कि ये स्त्री में परिणित हो जाएगी, तो स्त्री में यदि ये परिणित हो गई, लेकिन कोई जरूरी थोड़ी है कि ये तुम्हारी होगी, ऐसे क्यों तुम मानते हो कि ये तुम्हारी हो जाएगी। तो केवट वो बहुत चतुर था, तो केवट कहता है कि देखिए भगवान, वो परिणित होगी मेरी नाव से, तो मेरी नाव तो गायब होगी ना, ऐसा तो नहीं होने वाला है कि वे स्त्री जो पैदा होने वाली है वो स्त्री भी रहेगी और मेरी नाव भी रहेगी। जैसे आपने उस पाषाण को जब स्त्री बना दिया तो पाषाण तो नहीं रहा, तो जब मेरी बीवी देखेगी कि नाव नहीं है और नाव के बदले एक सुंदर स्त्री है, और वो तो अवश्य ही आपके चरण रज से पैदा होगी, तो वो तो सुंदर होने वाली है, तो मेरी बीवी जब देखेगी तो वो क्या समझेगी, वो यही समझेगी कि इसने नाव बेची है और इसको खरीद के लाया है। तो लक्ष्मण केवट से कहते हैं, कह रहे तुम अपनी बीवी को नहीं समझा सकते, परमात्मा परमेश्वर भगवान को समझा रहे हो। तो केवट कहता है कि इतिहास साक्षी है कि परमात्मा को समझाया जा सकता है। तो अब जब केवट वो एक एक कर जो तर्क प्रस्तुत कर रहा है, तो रामचंद्र जी को आगे वो केवट कहता है कि देखिए एक और कारण है, आपके चरण रज से अहिल्या जो कि ऋषि पत्नी थी, ऋषि पत्नी उत्पन्न हुई, तो आपके चरण रज से एक ब्राह्मणी उत्पन्न होगी यहां पर, क्योंकि जो सबसे ऊंचे कुल की स्त्री होगी वही उत्पन्न होगी आपके चरण रज से, और मैं तो एक मल्लाह हूं, नाव चलाने वालों को मल्लाह बोलते हैं, तो मैं तो एक मल्लाह हूं, मैं तो नीची जाति का हूं, अब मैं नीची जाति का और यहां पर ये स्त्री आ जाएगी जिसको मुझे मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि आप तो निकल लोगे, तो इसे मुझे संभालना है, तो ये तो एक ब्राह्मणी पैदा कर आप जाओगे, छोड़कर जाओगे, और जो ब्राह्मणियां होती हैं वो उनके बहुत नखरे होते हैं कि जो ब्राह्मण को में पैदा हुई है उनके नखरे क्या है, उनको घी का बना चाहिए, वो घर का कामकाज ज्यादा नहीं करेंगी, उनको घी का बना चाहिए, घर का कामकाज ज्यादा नहीं करती, उनको नौकर चाकर चाहिए, मैं नीची जाति का मल्लाह मैं ठहरा, अरे तो मैं कैसे ऐसी ब्राह्मणी को संभाल पाऊंगा, कदापि नहीं बैठने दूंगा, ये चरण आपके मेरे नाव पर स्पर्श हो जाए प्राण मैं यहां पर त्याग दूंगा, ये चरण रज स्पर्श करने नहीं दूंगा मेरी इस नाव, बिल्कुल नहीं। अब यहां पर केवट जो है वो सौदा कर रहा है, वो सौदा कर रहा है, एक शर्त है, शर्त ये है कि यदि मैं ये देख लूं, ये देखभाल कर लूं कि आपके चरणों में एक भी रज नहीं, पूरे आपके चरण रज रिक्त हो जाएं, तो ठीक है, फिर आप बैठ सकते हो। तो यहां पर केवट भगवान से सौदा कर रहा है, बिजनेस डील जिसको बोलेंगे, कि ठीक है मैं इतना ये करूंगा और फिर आपकी जो जरूरत है वो पूरी होगी। तो जो रामायण के टीकाकार हैं वो बताते हैं हमें कि जब कोई व्यापार का सौदा होता है, जब कोई ग्राहक किसी व्यापारी के पास जाता है, तो हम सब ने कलयुग में जो व्यापार का नियम है उसका अनुभव किया होगा। तो आप किसी दुकान पर जाते हो ग्राहक के रूप में,
यदि व्यापारी ज्यादा आवश्यकता में है तो ग्राहक जो है वो नेगोशिएशंस की डील ज्यादा महंगी रखता है। जरूरत किसको है ज्यादा, जब ये अभी जैसे मान लो कि कोई ग्राहक है, कोई आता ही नहीं उसके पास, कभी कोई आता नहीं उसके पास। जैसे मुझे याद है बॉम्बे में बहुत साल पहले मैं जब स्कूल पास आउट ही हुआ था तो बॉम्बे में छुट्टियों पर गया था, तो वहां पर मैंने सुबह सुबह 10:30 बजे, बम्बई में उसको सुबह सुबह बोलते हैं, 10:30 बजे मैंने देखा चर्च गेट पर, फैशन स्ट्रीट पर, वहां पर स्पोर्ट्स शूज खरीदने, मैं खरीदने तो नहीं गया था, मैंने मुझे अच्छे लगे तो मैंने उसको पूछा कितने के हैं, उसने कहा 500 रुपए के, 500 रुपए ने। तो होता क्या है कि जब आप ऐसे रास्ते चलते स्ट्रीट पर कुछ, तो हर समय रेट आप वो तो डबल ट्रिपल रेट बताता है, तो आपको फिर कुछ ऐसा रेट देना है। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं मैं इसको खाली 200 रुपए दूंगा, तो उसने, अब वो कैसे दिखाता है, 200 रुपए, तुम बोल क्या रहे हो 200 रुपए, तो वो कॉन्फिडेंस दिखाता है ना, तो वो जितना कॉन्फिडेंस दिखाएगा ग्राहक का कॉन्फिडेंस हिल जाता है, ग्राहक अगर कॉन्फिडेंट रहा तो व्यापारी का कॉन्फिडेंस हिल जाता है। तो मुझे तो लेना था नहीं, तो मैं तो कॉन्फिडेंट था, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, तो मैं तो कॉन्फिडेंट था, मैंने बोला 200 रुपए दूंगा, तो वो कॉन्फिडेंटली बोला क्या 200 रुपए सुबह सुबह, तो मैं तो निकल लिया ठीक है नहीं देना मत दो। तो उसने देखा कि ज्यादा कॉन्फिडेंट है, तो वो थोड़ा नीचे झुका, बोला अच्छा ठीक है आ जाओ ऐसा करो 250 रुपए, मैंने बोला नहीं 200 से 1 रुपया कम है, तो उसने ठीक है 225। फाइनली मैं इतना कॉन्फिडेंस है मैं निकल लिया, तो उसने कहा अरे चलो ले लो यार तुम 200 में ले लो, अब मेरे पास 200 भी नहीं थे, मैं सोचा कम से कम लाता तो 200 में मिल जाते, 200 भी नहीं थे, तो मैंने कहा ठीक है मेरा इधर ही घर है मैं लेकर आता हूं, तो वो समझ गया ये फक्कड़ आदमी सुबह सुबह कहां से ये भिखारी आया, तो गालियां पे गालियां देने लगा था, भाग यहां से। तो मुझे ये किस्सा याद आया, यहां पर मुद्दा क्या चल रहा है कि ये दोनों का सौदा चल रहा है, अब व्यापारी कौन है, केवट। अब ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि ग्राहक कौन बन रहा है, व्यापारी कौन बन रहा है, सौदा किसके ऊपर किसका हावी हो रहा है। तो केवट ने देखा कि इनको तो गंगा पार करनी है, एक ही यहां पर नाव है, एक ही केवट है, मेरे अलावा तो इनके लिए कोई सहारा है नहीं, तो जाएंगे कहां पर ये लोग। और रामचंद्र जी ने देखा कि हमारे अलावा इसके पास यहां पर कोई ग्राहक है नहीं, और ये जो मांग रहा है, जो उतराई मांग रहा है, वो उतराई जो है वो केवल मैं ही दे सकता हूं। तो अंतर्यामी है वो जान गए कि ये जो चरणामृत मांग रहा है वो किसी और ग्राहक का थोड़ी मांगेगा, वो मेरा ही मांग रहा है। तो यहां पर दोनों का एक प्रकार से पलड़ा भारी है, प्रश्न ये है कि जीतेगा कौन। हर समय भक्त ही जीतते हैं, जब प्रामाणिक होते हैं, शुद्ध होते हैं, तो वही जीतते हैं अपने प्रभु के ऊपर। तो जब यहां पर प्रभु के सामने रख दिया कि नहीं, जब तक मैं आपके चरण धोवन नहीं करूंगा तब तक आपको मेरी नाव स्पर्श नहीं करने दूंगा, तो अब रामचंद्र जी मौन है। तो केवट समझा कि ये मौन क्यों है, कुछ बोल क्यों नहीं रहे, कोई एक्सप्रेशन नहीं उनके चेहरे के ऊपर। तो केवट कहता है कि मुझे ये लगता है जैसे आपने गौतम ऋषि की पत्नी को, फिर पति लोग चली गई अहिल्या जो है अपने उद्धार के पश्चात वो पति लोग चली गई, तो जैसे आपने गौतम ऋषि की पत्नी को फिर मिला दिया उनसे, तो शायद आप किसी ऋषि को आश्वासन देकर आए होंगे, कोई बेचारा बैचलर शादी के ताक में होगा,
आपको बोल दिया होगा कि अगर कोई मिल जाए तो मेरे लिए आप ला कर देना। सुना है कि आप पाषाण से भी रूपवती स्त्रियां पैदा करते हो। तो केवट कह रहा है कि हो सकता है कि आपने किसी को प्रॉमिस दिया है, किसी ऋषि मुनि को प्रॉमिस दिया है जो अकेला ठेला घूम रहा होगा कहीं जंगल में, तो उसको आपने प्रॉमिस दिया होगा कि हाँ ठीक है मैं कोई अच्छी स्त्री मिल जाएगी तो आपने सोचा कि क्यों ना इसकी नाव से मैं स्त्री उत्पन्न कर दूं और उस ऋषि मुनि को जो जिसको मैंने आश्वासन दिया है उसको जाकर ये दे दूं। इसलिए आप चुप हो कि मैं ये आपकी योजना सफल नहीं होने दे रहा। फिर भी वो मौन है। तो फिर केवट ने सोचा कि अरे ये इसलिए मौन है क्योंकि ये तो एक वनवासी का जीवन जी रहे हैं, कुछ तो है नहीं, इनके पास तो जेब भी नहीं दिख रहा, तो धन संपत्ति इनके पास क्या होगी। तो ये सोच रहे होंगे कि अरे भाई मैं यदि इसकी सेवा लूंगा तो मुझे उतराई देनी पड़ेगी, तो मैं क्या उतराई दूंगा, मेरे पास तो कुछ है नहीं। तो इसलिए संकोच में, इसलिए शर्माते हुए मौन है। तब केवट कहता है कि आपके पिता की सौगंध, मैं आपसे कोई उतराई नहीं लूंगा। और जैसे ही केवट ने कहा किसके पिता की सौगंध, रामचंद्र जी के पिता की सौगंध, दशरथ महाराज की सौगंध, तो लक्ष्मण ने अपना धनुष बाहर निकाला, मेरे पिताजी की सौगंध खाता है तू। तो रामचंद्र जी अब वो केवट के इस अटपटे शब्दों को सुनकर वो मुस्कुराने लगे, यही केवट चाहता था। तो प्रश्न ये है कि ये केवट के अटपटे शब्द क्यों थे। अटपटे शब्द इसलिए थे कि अभी अभी केवट ने क्या कहा कि मेरी गृहस्थी चलती है इस नाव की उतराई इसकी आमदनी की वजह से, और अब केवट बोल रहा है कि मैं नहीं लूंगा आपसे कोई भी उतराई, तो ये अटपटे शब्द हुए। और जब कोई व्यक्ति अपने भान में नहीं रहता, जब वो अपने होश में नहीं रहता, तो वो किसी दूसरे के बाप की सौगंध खाता है। जैसे साधारण तौर पर यदि हम होशो हवास में सौगंध खाते हैं तो अपने मां बाप की खाएंगे ना, अरे मेरे बाप की सौगंध, मेरी मां की सौगंध। लेकिन जब कोई अपने होशो हवास में नहीं रहता, अटपटी बातें करता है, तो वो दूसरे की बाप की सौगंध खाता है। तो यहां पर केवट जो है वो आपके पिता की सौगंध। तो जब भगवान ये सुने तो भगवान मुस्कुराने लगे, और यही केवट चाहता था। केवट ये सब करतब कर रहा था ताकि भगवान मुस्कुराने लग जाएं, क्योंकि अब तक भगवान बोल रहे थे, मौन हो चुके थे, मुस्कुराए नहीं थे। क्यों? क्योंकि केवट जानता था जब निषादराज गुह वहां पर उनका वार्तालाप हो रहा था, तो वहां सुमंत्र जी जो आए थे, सुमंत जो भगवान श्री राम को अब वो अंतिम स्थल पर छोड़कर गए, केवट वहीं था। तो केवट ने देखा था कि जैसे ही सुमंत जी वो लौट कर जा रहे थे, तो प्रभु श्री राम के आंखों से जो अश्रु प्रवाहित होने लगे। क्यों? क्योंकि रामचंद्र जी ने देखा कि सुमंत जी वो मुझसे बड़े हैं, और हर समय एक बड़े की छत्र छाया में एक व्यक्ति को होना चाहिए। अब वो मुझे छोड़कर जा रहे हैं, मेरे ऊपर किसी बड़े का हाथ नहीं रहेगा। तो ये सोचते हुए रामचंद्र जी रोने लगे, और पहली दफा वहां पर लक्ष्मण, सीता, केवट
गुहा, इन्होंने रामचंद्र जी के आंखों में आंसू देखे। तो टीकाकार कहते हैं कि वो जो आंसू भी थे प्रभु श्री राम के रामाश्रु, वो जो राम के आंसू भी थे वो भी सोच रहे थे, वो असमंजस में थे कि क्या हमें ऐसे नयन अभिराम को छोड़ना चाहिए, क्या हमें ऐसे नयनों का त्याग करना चाहिए। तो कुछ आंसू वो निकल नहीं रहे थे, परंतु रामचंद्र जी की भावना सुमंत जी के प्रति इतनी थी कि उनको निकलना पड़ा, वो निकलना नहीं चाहते थे। रामचंद्र जी की जो कमल के जैसे उनके नयन, उनकी आंखों को छोड़ना नहीं चाहते थे वो, परंतु छोड़ना पड़ा। तो कुछ अश्रु जो है छोड़ते छोड़ते वो थोड़ा प्रसन्न चित्त हुए। क्यों प्रसन्न चित्त हुए? क्योंकि यहां से टपक कर वो रामचंद्र जी के गाल पर बैठे कि उन्होंने कभी रामचंद्र जी के गाल का स्पर्श नहीं किया था। तो वो थोड़ा प्रसन्न चित्त हुए कि रामचंद्र जी के गाल पर तो बैठने मिलेगा। तो सुंदर वर्णन दिया गया है कि ये अश्रु जो रामचंद्र जी के गाल पर बैठे हुए, रामचंद्र जी के गाल अब उन अश्रुओं से चमक रहे थे। गीले गाल रामचंद्र जी के किस प्रकार प्रतीत हो रहे थे? जैसे कि समंदर का तट हर समय समंदर के लहरों के वजह से गीला प्रतीत होता है, वैसे प्रभु श्री राम के गाल उनके अश्रु के वजह से गीले और चमकीले प्रतीत हो रहे थे। परंतु रामचंद्र जी के गाल वो इतने ज्यादा मुलायम हैं और इतने ज्यादा जिसको कहेंगे फिसलनी जैसे हैं, स्मूथ हैं, कि वो अश्रु वहां पर भी टिक नहीं पाए, वहां से नीचे गिरने लगे। रामचंद्र जी के गालों से नीचे गिरने लगे, टिक नहीं पाए। तो गिरते गिरते वो सोचे कि अरे रामचंद्र जी का संग छूट रहा है, अब हमारे जीवन का क्या फायदा, न तो हम उनके कमल जैसे नैनों में रह पाएंगे, न उनके गालों पर हम टिक पा रहे हैं। परंतु गिरते गिरते एक एक अश्रु एक दूसरे को अभिनंदन दे रहे हैं, अरे देखो गिर कहां रहे हैं, रामचंद्र जी के चरणों में। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है किसी का कि यदि वो गिरे भी तो रामचंद्र जी के चरणों में जाकर गिरे। तो इस दृश्य को केवट वो याद रखे थे और वो सोच रहे थे कि तब से लेके मेरा हृदय रुदन कर रहा है कि मेरे प्रभु श्री राम मुस्कुराए नहीं है। तो मैं ये सब कुछ मन ही मन वो सोच रहे हैं, रामचंद्र जी तो जान गए, मन ही मन वो ये सब तर्क वितर्क रख रहे हैं, उनके साथ विनोद कर रहे हैं ताकि वो हंसी फिर आ जाए उनके मुखमंडल पर। और जैसे ही प्रभु श्री राम मुस्काए, मुस्कुराते हुए उन्होंने कह दिया कि ठीक है। उन्होंने बहुत ही रहस्यमय शब्दों में केवट को कहा, क्योंकि वो ऐसे सुसंस्कृत हैं इसलिए संकोच कर रहे थे, अब कौन अपने चरण आगे कर कहेगा कि धो लो, और ये तो संकोची, सबसे बड़े संकोची मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं। तो उन्होंने संकोच से रहस्यमय शब्दों में कहा, ठीक है केवट, तुम्हारी नाव बच सके जो उपाय तुम्हें चाहिए वो कर लो तुम्हारी नाव को बचाने के लिए। केवट कहा, नहीं आपको मैंने कह दिया, मैं तो अनपढ़ गंवार व्यक्ति हूं, साफ साफ शब्दों में कहिए, ये आप घुमा फिरा के बातें मत कीजिए कि मेरी नाव को बचाने के जो उपाय है वो मैं करूं, नहीं साफ साफ बोलिए क्या करना है। क्यों? क्योंकि केवट वो ये चाहता था कि रामचंद्र जी के आज्ञा के बिना मैं जबरदस्ती उनकी कृपा नहीं हासिल करना चाहता,
उनके मुख से वो सुनना चाहता था कि हां धो लो मेरे चरण। वो क्या सिखा रहे हैं केवट, कि कृपा जो है उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए, जोर जबरदस्ती से कृपा नहीं प्राप्त होती। तो रामचंद्र जी की स्वेच्छा से वो बोले तो फाइनली रामचंद्र जी वो, और लक्ष्मण ये सब देख रहे हैं कि अरे भाई हमको गंगा पार जाना है और ये क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में। तो फिर रामचंद्र जी बोल दिए कि ठीक है लाओ जल्द से जल्द तुम जल लेकर आओ और मेरे चरण को धो सकते हो। तो जैसे ही अब केवट ने रामचंद्र जी के मुख से ये सुन लिया तो केवट कहा रुको रुको रुको। केवट ने कहा कि जो यहां पर का नियम है वो नियम पहले पालन होगा। कौन सा नियम है? नियम ये है कि जो पहला ग्राहक आता है उनको हम बिठाते हैं, आप बाद में आए। तो लक्ष्मण वो फिर तमतमाए, इतना सब होने के बाद ये तो बड़ा करता है ये व्यक्ति, ऐसी ऐसी शर्तें। रामचंद्र जी भी सोचने लगे कि अरे यहां पर तो दूर दूर तक कोई ग्राहक नहीं दिख रहा, कौन सा ग्राहक यहां पर तुमको दिख रहा है? तो केवट कहता है कि अरे वो ग्राहक जिनको यदि आप दिख जाते तो वो न तर जाते, क्योंकि वो दिख नहीं रहे आपको इसलिए वो तरे नहीं है अब तक। कौन है वो? है हमारे पूर्वज। तो सबसे पहले केवट ने अपने पितरों के उद्धार के विषय में सोचा। देखो आजकल लोग जो हैं श्राद्ध, पितरों का उद्धार, इन पर विश्वास भी नहीं करते। जैसे एक बार एक माँ अपने बेटे को कही कि अपने पिताजी की अस्थियां गंगा में बहा दो, अभी अभी गुजरे हैं तो तर्पण हो जाए, उनका श्राद्ध हो जाए, उनको भी सदगति प्राप्त हो। तो ये लड़का बोले मुझे ये सब में विश्वास नहीं है। तो माँ कहती है तुम्हें विश्वास नहीं होगा परंतु ये जिनकी अस्थियां हैं उनको विश्वास था, तुम्हारे पिता। तो ठीक है, बिना मन के मान गया, मां बोल रही है तो कर देते हैं। तो जब उसे पता चला कि गंगा जो है वो 16 किलोमीटर दूर है, तो साइकिल पर अस्थियां लेकर जा रहा है, 12 किलोमीटर तक पहुंचा तो उसने एक नाला देखा और सोचा ये नाला वैसे ही गंगा में जाके मिल रहा है, तो नाले में अस्थियां बहा दी और आ गया। उस रात उसकी मां के सपने में उसके पिता आए और बोले कि ये कैसा कुपुत्र पैदा किया हमने कि मेरी अस्थियां नाले में बहा कर आया। तो मां वो इतना क्रोधित हुई, उसको उठाया कि तू नाले में बहा कर आ गया अस्थियां अपने पिता की। तो पूछता है किसने बताया तुम्हें? बोले पिताजी सपने में आए थे। अब देखो ये पुत्र ये कितना गिरा हुआ, ये बोलता है कि पिताजी 12 किलोमीटर यहां तक सपने में आ गए, 4 किलोमीटर उस तरफ चले जाते तो गंगा मिल जाती। तो केवट ने यहां पर वो सबसे पहले अपने पितरों के विषय में सोचा और फिर कहा कि मैं पहले उनका उद्धार करना चाहता हूं और उसके पश्चात जो मेरा परिवार है। कौन सा परिवार? मेरे बीवी, मेरे बच्चे, इन सब का उद्धार करना चाहता हूं, तो उन सब को मैं बुला लाऊं। तो केवट गया। अब यहां पर लक्ष्मण सोच रहे हैं आज तो हो लिए हम पार। तो वो गया
अपने बीवी बच्चों को बुला कर लाया और अपने बीवी बच्चों को कहा कि तुम सब वो जो प्रभु श्री राम हैं, जब मैं उनके चरण को धोऊंगा तो उनके चरण धोन के समय तुम घेर कर बैठ जाना, उनके चरणों को घेर कर बैठ जाना। तो बीवी ने पूछा कि घेर कर क्यों बैठना है, कहीं भाग न जाए। और फिर केवट वो एक कठौता लाता है। अब पता नहीं आप लोग जानते हैं कठौता किसे कहते हैं। एक है कठौती, कठौती छोटी होती, जैसे अगर हम यहां की भाषा में बोले एक है कटोरा और एक है कटोरी, तो कटोरा बड़ा हो गया, कटोरी छोटी हो गई, उस प्रकार से कठौता और कठौती। तो केवट कठौता लेकर आया, कठौती नहीं लाया, प्रभु के चरण धोन के लिए कठौता लेकर आया। क्यों? केवट ने सोचा कि मेरी दो बेटियां हैं, मुझे अब तक कोई बेटा नहीं हुआ, तो यदि मैं कठौता लाऊंगा तो कोई ये प्रश्न पूछ सकता है, तो प्रभु के चरण उस कठौते को स्पर्श करेंगे ना, तो वो भी तो परिणित हो सकता है किसी मनुष्य में। यदि ये गणित लगाया है इस केवट ने कि मेरी नाव को यदि आप स्पर्श करोगे तो नाव स्त्री में परिणित हो जाएगी, तो जिस बर्तन में आप चरण रखोगे तो वो बर्तन भी तो मनुष्य में परिणित हो सकता है। गणित समझ में आ रहा है आपको? तो इसलिए केवट वो कठौता लेकर आया कि यदि ये कठौता लड़के में परिणित हो जाए तो मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। और क्यों पुत्र चाहिए? क्योंकि मेरे बाद ये जो व्यवसाय है केवट का, ये मैं उसे देकर जाऊं। और क्यों? ये जब मैं उसे देकर जाऊंगा तो उसकी ख्याति क्या रहेगी कि अरे ये उस केवट का पुत्र है जिस केवट के नाव में साक्षात प्रभु श्री राम जो परम नियंता हैं वो गंगा पार हुए। तो उसके अंदर जो सद्बुद्धि होगी उसके वजह से हो सकता है कि कोई आने वाला अवतार भी मेरे बेटे के नाव में आकर बैठे। देखो कहां तक सोच रहा है ये केवल, इसलिए वो कठौता लेकर आता है, कठौती नहीं लेकर आता। अच्छा, अब वो धो कैसे रहा है? उसने अपने बाएं हाथ आगे किया और प्रभु श्री राम का दाहिना पैर अपने बाएं हाथ पर लिया और अपने दाएं हाथ से धो रहा है। प्रभु श्री राम खड़े हैं, प्रभु श्री राम खड़े हैं। कैसे खड़े हैं? एक पैर पर खड़े हैं। आप इस दृश्य की कल्पना कीजिए, प्रभु श्री राम एक पैर पर खड़े हैं, सारे देवी देवता देखने लगे कि अरे ये कौन है केवट? अब तक तो हमने सुना था कि ध्रुव जैसे तपस्वी भगवान के जो भक्त हुए, भगवान को प्रकट किया एक टांग पर खड़े होकर। ध्रुव महाराज ने जो तपस्या की थी एक टांग पर खड़े होकर की थी, और बड़े बड़े ऋषि मुनि वो जब तपस्या करते हैं तो वो एक टांग पर खड़े होकर भगवान को प्रकट करते हैं। ये कैसा भक्त है भगवान का कि भगवान को एक टांग पर खड़ा करवाया है? अब देखिए इसकी चतुराई, इसकी चतुराई क्या थी कि इसने भगवान को खड़ा क्यों कराया? तो जैसे ही उसने एक चरण भगवान के धोए और कठौते में पूरा जो चरणामृत इकट्ठा हुआ और उसने कहा कि ये तो छोटा सा है, अब दूसरे पैर को धोने के लिए मुझे इसे खाली करना पड़ेगा, तो पी गया, पी गया। तो भगवान को अपना वो चरण नीचे रखना पड़ा, उसने कह दिया अब फिर धूल चढ़ गई उसमें। तो लक्ष्मण सोचने लगा तो भैया ये तो तुम्हारा चलता रहेगा कार्यक्रम, अब एक पैर तुम धो के वो नीचे रखेंगे तो वहां पर तो वो थोड़ा गीला रहेगा तो उसमें तो ना धूली तो चिपकेगी, और फिर तुम ये तो ये उसकी चतुराई थी।
कि वो क्या कर रहा था, पहले वो पूरा चरण धोवन उसने पिया, पितरों को दिया, अपने बीवी को दिया, अपने बच्चों को दिया, फिर वो सोचने लगा कि अरे मैं जिस गांव से हूं वो गांव वालों को पता चलेगा तो वो तो मुझे कच्चा खा जाएंगे, तो उनके लिए भी चाहिए। तो भगवान अब इस केवट को पूछ रहे हैं कि केवट अरे मेरा बैलेंस डगमगा रहा है, मैं खड़ा कैसे रहूंगा। तो केवट क्या कहता है, केवट कहता है कि देखिए यहां पर कोई पेड़ भी नहीं है, कोई डाली भी नहीं है, एक ही चीज है जहां पर आप सहारा लेकर खड़े हो सकते हैं और वो है मेरा माथा, ये मेरा सर। तो आप अपनी हथेली मेरे सर के ऊपर रखिए और बैलेंस कीजिए, तब तक मैं आपके चरण धोऊं। और ऐसे करते करते केवट ने प्रभु श्री राम के दोनों चरण उसमें से हरेक रज का कण साफ कर कर खुद पिया, अपने परिवार वालों को पिलाया, अपने गांव वालों को पिलाया, अपने पितरों को पिलाया, और उसके पश्चात फिर नाव में जब उन्हें आमंत्रित किया, तो अब नाव में आमंत्रित करने के पश्चात केवट अभी भी उसकी चतुराई वो कम नहीं कर रहा, तो बहुत धीरे धीरे नाव चला रहा है, जितना धीरे हो सके उतना धीरे वो नाव चला रहा है। और नाव चलाते हुए वो ये गीत गाने लगा, मेरी नैया में सीताराम गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में सीताराम गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में सीताराम गंगा मैया धीरे बहो। सुरसरी गंगा पे केवट की नैया, सुरसरी गंगा पे केवट की नैया, राजा दशरथ के राजकुमार गंगा मैया धीरे बहो, राजा दशरथ के राजकुमार गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में सीताराम गंगा मैया धीरे बहो, आंख भर देखूं जुगल जी की मूर्ति, आंख भर देखूं जुगल जी की मूर्ति, करूं आंखों से सोला श्रृंगार गंगा मैया धीरे बहो, करूं आंखों से सोलह श्रृंगार गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में सीताराम गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में सीताराम गंगा मैया धीरे बहो। जय सीताराम
सीताराम सीताराम जय सीताराम। जय सीताराम 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 लक्ष्मण हनुमान। तो जैसे ही गंगा के उस पार पहुंची इनकी नैया, गंगा जी को भी धीरे धीरे बहने के लिए केवट बोल रहा था, खुद भी धीरे धीरे नाव को चला रहा था, गंगा मैया को भी गा गा के बोल रहा है धीरे धीरे बहो, जितना ज्यादा हो सके इनका सानिध्य प्राप्त हो। तो गंगा के उस पार जैसे ही पहुंचाया, पहले सीता मैया वो नाव से बाहर उतरी, उसके पश्चात प्रभु श्री राम, उसके पश्चात लक्ष्मण और फिर केवट। नीचे उतरते ही दंडवत किया लक्ष्मण, वो देख रहे हैं कि गंगा के उस पार तो बहुत अकड़ रहे थे, अब चरण पकड़ रहे हो, ये क्या मांज रहा है। तो ये कहता है कि देखो वहां पर सौदा पूरा नहीं हुआ था, तो जब सौदा पूरा नहीं हुआ था और मैं यदि दंडवत दे देता तो क्या होता, तो मैं इनका दास बन जाता, और दास बन जाता तो ये जो आदेश देते उसका पालन करना पड़ता, इसलिए मैंने वहां पर दंडवत नहीं किया। देखिए क्या लेवल है इस केवट का। तो इसलिए अब जब नौका पार हो गई है, नैया पार हो गई है, अब ये नहीं कह रहा कि रामचंद्र जी जिस नैया पर बैठे थे वो नैया पार हुई है। तो जब वो दंडवत दे रहा है तो रामचंद्र जी का स्वभाव हर समय क्या कि अविलंब वो जो भी उनको दंडवत करता उसको उठाकर अपने हृदय से लगा लेते, जैसे कि कोई सुसंस्कृत व्यक्ति है वो किसी को अपने पैर छूने नहीं देता, अगर कोई छू भी रहा है तो तुरंत उठा लेते हैं और अपने गले से लगा लेते हैं। तो रामचंद्र जी नहीं कर पा रहे थे, तो लक्ष्मण बड़े अचरज में थे कि क्या हो रहा है, रामचंद्र जी क्यों उठा नहीं रहे इस केवट को, क्यों अपने स्वभाव के अनुसार वो प्रतिक्रिया नहीं दिखा रहे, क्योंकि रामचंद्र जी सोचने लगे कि ये जैसे ही केवट उठेगा तो मुझे उतराई देनी होगी, मेरे पास तो कुछ है नहीं देने के लिए, इसने तो अपना सब कुछ दे दिया, मैं इसे कुछ भी नहीं दे पाऊंगा, अरे मैं जो तीनों लोकों का स्वामी हूं मैं केवट को उतराई नहीं दे पाऊंगा। तो संकोच के कारण, शर्म के कारण रामचंद्र जी उठा नहीं रहे उसे, सोच रहे हैं कि मैं कैसे सामना करूंगा इस केवट का। तो जब लक्ष्मण ने केवट को उठाया, केवट समझ गया, रामचंद्र जी के भाव को देखा, केवट समझ गया और केवट ने कहा कि नहीं नहीं भगवान, मैंने आश्वासन आपको दिया कि मैं कोई उतराई नहीं लूंगा। और रामचंद्र जी जब संकोच कर रहे हैं, शर्मा रहे हैं, तो जानकी जी उन्होंने क्या किया, अपनी मुद्रिका निकाली और अपने दूसरे हाथ से रामचंद्र जी के हाथ में दे दी। तो अब ये जो मुद्रिका है ये सीता मैया का एकमात्र आभूषण जो उनके पास था वो उन्होंने दे दिया। तो अब रामचंद्र जी ने जब वो मुद्रिका अपने हाथ में ली और वो आगे बढ़ाई, तो केवट वो मुद्रिका देखते हुए केवट की आंखों से अब आंसू आने लगे। केवट ने कहा, प्रभु
उतराई तो तभी मैं लूंगा जब मैंने आपको पार किया हो। तो रामचंद्र जी पूछे तो फिर किसने पार किया है? तो केवट कहता है नहीं, मैंने थोड़ी पार किया है। तो रामचंद्र जी कहे अरे भाई तुम्हारी नैया ने पार किया है। केवट कहता है वही तो मैं बोल रहा हूं कि आपने मेरी नैया पार लगाई है। सत्य बात तो क्या है, आपने मेरी नैया पार लगाई है। तो आपने यदि मेरी नैया पार लगाई है तो उतराई तो मुझे देनी चाहिए, आप कैसे दोगे उतराई? नहीं नहीं नहीं, मैं कदापि यह मुद्रिका नहीं ले सकता। और सबसे अहम बात तो यह है कि जब दो भाई एक ही बिरादरी के और एक ही व्यवसाय के होते हैं, वो आपस में लेन देन नहीं रखते। लक्ष्मण बोल रहे हैं ये क्या चल रहा है इसका? अब ये कह रहा है कि सगे भाई हैं, एक ही बिरादरी के हैं, एक ही व्यवसाय के हैं। तो रामचंद्र जी लक्ष्मण को शांत करते हैं, नहीं ये केवट जो है जो भी कुछ कहता है बहुत तात्विक चीज बोलता है। तो बताओ हम सगे भाई कैसे हुए, हमारी एक बिरादरी कैसी हुई? तो केवट कहता है कि मैं मांझी हूं इस गंगा के तट का और आप भवसागर के केवट हो। मैं तो केवल गंगा पार कराता हूं ग्राहकों को लोगों को, और आप कैसे केवट हो? आप भी तो हमारी बिरादरी के हुए, आप हमारी बिरादरी के हुए तो आप तो भवसागर पार कराते हो आपकी कृपा की नैया में बिठाकर। तो हां यदि आपको किस समय किस जगह मेरा ऋण चुकाना हो तो जैसे मैंने आपको पार किया आप मुझे पार कराना। और ये जो मुद्रिका जानकी जी की मुद्रिका आप सामने रख रहे हो, ये मैं कदापि नहीं ले सकता। अरे लानत है मेरे ऊपर यदि ये एक आभूषण जो जानकी जी बचाए रखी थी वो भी मैं ले लूं। क्यों? क्योंकि मुझसे पहले महाराज जनक ने आपके चरण धोए थे। जब सीता स्वयंवर हुआ, सीता कल्याण के समय महाराज जनक ने प्रभु श्री राम के चरण धोए थे, और महाराज जनक ने रामचंद्र जी आपके चरण धोने के पश्चात जानकी को भेंट में आपको दिया, और मैं जिनके चरण महाराज जनक धोए उनके चरण धोने के बाद मैं जानकी जी की मुद्रिका ले लूंगा। आपने मुझे इतना गिरा हुआ समझा? तो रामचंद्र जी कहते हैं कुछ तो देना होगा, कुछ तो तुम्हें देना होगा। बोलते हैं क्या? तुम्हें अब मुझे आज्ञा देनी होगी। ये भी बहुत तात्विक बात है कि रामचंद्र जी जो कि परम पुरुषोत्तम भगवान हैं, वो एक मल्लाह, एक केवट साधारण सा, उसका नाम भी कहीं दर्ज नहीं है रामायण में कि उसका नाम क्या था, केवल केवट केवट केवट। तो उससे वो आज्ञा मांग रहे हैं कि तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं आगे का जो मेरा वनवास है वो प्रारंभ करूं। तो भगवान यहां पर क्या सिद्ध कर रहे हैं? भगवान ये सिद्ध कर रहे हैं कि मुझे आगे चलकर बहुत कुछ धर्म की स्थापना के लिए हासिल करना है, धर्म की प्रस्थापना करनी है, और जब तक मैं मेरे शुद्ध भक्तों की कृपा और उनकी आज्ञा प्राप्त नहीं कर पाता, त
तब तक मेरे अंदर वो शक्ति नहीं आएगी। इसलिए ये जो सुंदर भजन केवट का हम अंत में गाना चाहेंगे और उसके पश्चात जो अहिल्या उद्धार इस कथा का पूरा समन्वय क्या है वो प्रस्तुत करते हुए आज के हमारे सुबह के रामनवमी के सत्र को हम विराम देंगे। तो ये जो प्रसिद्ध भजन जिसके अंदर ये भाव व्यक्त किया गया है कि वो जो सबकी नैया पार करते हैं, सबकी नैया पार कराते हैं, वो जो भवसागर के केवट हैं, वो जो भवसागर के मांझी हैं, वो यहां पर केवट से मदद ले रहे हैं। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। गाइए। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। अवध छोड़ प्रभु वन को ध्याए। सिया राम लखन गंगा तट आए। केवट मन ही मन हर्षाए। घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। केवट मन ही मन हर्षाए। घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। हाथ जोड़ कर प्रभु के आगे केवट मगन खड़े। गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। प्रभु बोले तुम नाम चलाओ। अरे पार हमें केवट पहुंचाओ। केवट बोला सुन।
सुनो हमारी चरण धूल की माया भारी। केवट बोला सुनो हमारी चरण धूल की माया भारी। मैं गरीब नैया मेरी नारी ना होए पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु के रथ की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु के रथ की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। चली नाव गंगा की धारा, सिया राम लखन को पार उतारा। प्रभु देने लगे नाव उतराई, केवट कहे नहीं रघुराई। प्रभु देने लगे नाव उतराई, केवट कहे नहीं रघुराई। पार किया मैंने तुमको अब तू मोहे पार करे। पार किया मैंने तुमको अब तू मोहे पार करे। हे जाना था गंगा पार प्रभु की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु के रथ की नाव चढ़े। हे जाना था गंगा पार प्रभु के रथ की नाव चढ़े। दौड़ के जल भर लाया, चरण धोए चरणामृत पाया। वेद ग्रंथ जिनके गुण गाए, केवट उनको नाव चढ़ाए। वेद ग्रंथ जिनके गुण गाए, केवट उनको नाम चढ़ाए। बरसे फूल गगन से ऐसे भक्त के भाग्य के। बरसे फूल गगन से ऐसे भक्त के भाग्य के। जाना था गंगा पार प्रभु के रथ की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु के रथ की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के रथ की नाव चढ़े।
बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो अहिल्या जब उनका उद्धार हो रहा था तो रामचंद्र जी ये पूछे अहिल्या से कि तुम्हारा उद्धार तो मैं अपने दृष्टिपात से भी कर सकता था, देखकर भी कर सकता था, तो अहिल्या तुमने चरण रज क्यों मांगी? तो बहुत सुंदर जवाब अहिल्या देवी देती हैं। वो कहती हैं कि यदि आप मुझे देखते तो देखने से आपको मेरे दोष दिखते, और जब आपको मेरे दोष दिखते तो आपके अंदर रोष आ जाता और आपका धनुष सामने आ जाता मेरे दोष देखने के वजह से, और जब आपका धनुष सामने आ जाता तो आपका धनुष जो है वो न्याय देता है, परंतु आपके चरण जो हैं वो आपकी जो चरण रज है वो मेरे दोषों को देख नहीं पाती, इसलिए मुझे आपके चरण रज चाहिए। और इस तरीके से अहिल्या जब चरण रज प्राप्त करती है रामचंद्र जी के, तो वो ऐलान करती है कि इस कलयुग में जितने भी दोष भरे जीव हैं, जो कि दोषपूर्ण ये युग है, जो दोषों से भरे हुए हैं, यदि हम हमारे आचरणों से भी गिर जाएं, तो गिरते गिरते प्रभु के चरणों में गिरें, क्योंकि अहिल्या वो अपने आप को ऐसा दोषी मान रही थी कि वो अपने आचरणों से गिर चुकी थी, और इसलिए वो प्रभु के चरण चाहती थी, चरण रज चाहती थी। और फिर उन्होंने भगवान से कहा कि मेरा भाग्य देखिए, गंगाधर शिवजी का एक नाम गंगाधर है, उन्होंने अपने जटाओं में गंगा को धारण किया है, तो उनके जटाओं में गंगा क्या है? विष्णुपादी भगवान का चरणामृत है, तो भगवान का चरणामृत जिन्होंने अपने जटाओं पर हर समय धारण किए हुए हैं, वो गंगा के जो स्रोत हैं वो चरण मुझे प्राप्त हुए। शिवजी को तो चरणामृत प्राप्त हुआ, मुझे जो चरण प्राप्त हुए, तो मुझसे बड़ा सौभागी और कौन हो सकता है, और आपसे बड़ा पतित पावन और कौन हो सकता है? तो यहां पर जब अहिल्या वो ये सब कुछ कहकर प्रभु श्री राम के चरणों को अपने माथे पर लेकर, चरण रज को अपने माथे पर लेकर अहिल्या जब अपने पति के लोक चली जाती है, तो रामचंद्र जी वो मायूस हो जाते हैं। यहां पर आदर्श देखिए प्रभु श्री राम का, तो विश्वामित्र मुनि देख रहे हैं और लक्ष्मण देख रहे हैं कि अरे जिसका उद्धार हुआ वो मुस्कुराते हुए आनंद में भाव विभोर अवस्था में वो अपने पति के लोक चली गई, और जो उद्धारक हैं वो मायूस हो गए, दुखी हो गए। तो जब पूछा गया कि आपकी मायूसी का कारण क्या है, तो रामचंद्र जी कहते हैं कि मैं यहां पर वन में आया हूं ऋषियों का और ऋषि पत्नियों का आशीर्वाद लेने के लिए, और मैंने आज ये क्या कर दिया, उनके चरणों में मुझे गिरना चाहिए, ये एक ऋषि पत्नी थी, ऋषि पत्नी के चरणों में मुझे गिरना चाहिए था, और मैं यहां पर अपने चरण लगा दिया ऋषि पत्नी को, इतना बड़ा पाप मैंने किया। यह है प्रभु श्री राम का आदर्श। परंतु उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अंत में हम समझेंगे ये दोनों, अहिल्या
और केवट, ये दोनों के अंदर सेवा भाव था। जैसे ही केवट ने अवसर देखा, केवट ने प्रभु श्री राम के चरणों को धोया। परंतु इससे पहले केवट कितनों को गंगा पार कराता था और उसके इतने वर्षों की सेवा का निचोड़ प्रभु श्री राम का दर्शन और उनका चरणामृत उनको प्राप्त हुआ। और अहिल्या पाषाण के रूप में भी बहुत से यात्री उस जंगल से जब गुजरते हुए वो जब इस शिला को देखते और शिला के ऊपर अपनी थकान दूर करने के लिए बैठते तो अहिल्या अपनी सेवा देती। तो अहिल्या की उस सेवा और केवट की उस सेवा, ये दोनों की सेवा देखते हुए प्रभु श्री राम वो पतित पावन अवतार, वो अपनी कृपा हर तरीके से इनको दी। विशेष रूप से जो आज हम अहिल्या की कथा सुने कि अपने नेत्रों से, अपने कर्णों से, अपने कर कमलों से, अपने चरण कमलों से, अपनी वाणी से उन्होंने जो कृपा दी। इसलिए कहते हैं कि इस संसार में जब भगवान की कृपा किसी को प्राप्त हो जाती है और विशेष रूप से जब ऐसे किसी गुनहगार को प्राप्त हो जाती है जो कि गलती से भरा हुआ है, और हम सब इस कलयुग में जैसे हमने कहा कि दोषों से भरे हुए हैं, तो भगवान की कृपा, भगवान की जो रहमत है, ये कहा गया है कि तेरी रहमत गुनहगारों के साथ क्या हुई, तेरी रहमत गुनहगारों के साथ क्या हुई, जो बेगुनाह थे वो भी गुनहगारों की लाइन में खड़े हो गए। कि भगवान की रहमत गुनहगारों के साथ ऐसी हुई कि जो बेगुनाह थे वो भी सोचने लगे कि हमने कौन सा गुनाह किया कि हम क्यों, हमें उनकी कृपा नहीं प्राप्त हो रही, हमें उनकी रहमत प्राप्त नहीं हो रही। तो इसलिए आज के इस पावन अवसर पर हमने जो अहिल्या और केवट, इन दोनों के विषय में जो श्रवण किया कि ये दोनों प्रभु श्री राम की सेवा और प्रभु श्री राम के भक्तों की सेवा का अवसर कभी छोड़े नहीं, और उन्होंने जो अपने आप को प्रस्तुत किया, जो सबसे मुख्य बात मुझे केवट की लगी, हृदयस्पर्शी बात जिसको बोल सकते हैं, कि केवट ने जो कुछ किया प्रभु श्री राम की मुस्कान को लाने के लिए किया। जब उन्होंने देखा कि सुमंत जी के जाने के पश्चात प्रभु श्री राम मुस्कुराए नहीं थे, तो इसलिए हम ये केवट से और अहिल्या से इनसे सुन सकते हैं या समझ सकते हैं कि यदि हमारा जीवन, यदि हमारा आदर्श, यदि हमारे उसूल, यदि हमारी साधना भगवान जैसे रामचंद्र जी के आंखों से आंसू या मायूसी अहिल्या उद्धार के पश्चात आई और केवट उद्धार के पश्चात वो मुस्कुराए, तो दोनों ही श्रेणियों में उन्होंने प्रभु श्री राम के हृदय को पिघलाया। तो हम भी यदि हमारी साधना से, हमारी प्रामाणिकता से, हमारी सरलता से, जितना कुछ हो सके इस कलयुग में हमारी शुद्धता से, यदि हम विशेष रूप से आज के दिन प्रभु श्री राम के समक्ष जाते हैं और उनके समक्ष जाकर हमारी मैली चादर प्रस्तुत करते हैं, चाहे कितनी भी मैली हो, तो वो मैली चादर, उसे साफ करने का जो कार्य है वो प्रभु श्री राम ने अपनी कृपा शक्ति को सौंप रखा है, लेकिन कृपा शक्ति को हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। जैसे कि केवट ने कहा, आपके श्रुमुख से जब निकलेगा तब मैं आपके चरण धोऊंगा, तो उसे हम जबरदस्ती से नहीं प्राप्त कर सकते। तो कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जब हम हमारी व्यथा प्रामाणिकता से भगवान के सामने प्रस्तुत करेंगे और हाँ ये प्रण लेंगे, जैसे कि रामायण में बताया गया है कि प्रभु मैं
आज से आपका हूँ। सकृद एव प्रपन्नो यस तवास्मि इति याचते, अभयम तु सर्वदा तस्मै ददाम्येतद् व्रतम मम। तो भगवान वो स्वयं प्रकट तो हो ही चुके हैं, अब बस उनकी कृपा प्राप्त करने की देरी है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, रामनवमी महामहोत्सव की जय, शिल प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रीमान भक्त है या राम भक्त है अभी तक मुझे समझा नहीं। मैं आप लोगों का भक्त हूं। तो हम प्रभु जी को धन्यवाद देंगे जिस प्रकार से उन्होंने राम कथा को प्रस्तुत किया है, मतलब इतना रस उन्होंने भरा है। तो ये तो चरण कमल की कृपा थी, ये तो लगता प्रहार था। मैं स्टैट्यूटरी वार्निंग देना चाहूंगा, जिनका भी शुगर प्रॉब्लम है डायबिटीज से शाम को ना आए, नहीं तो इसके बाद से तो हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा आपको। तो ये कथा में जो मिठास